और अब आपको दिल्ली के कंझावला कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें। 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। 13 अप्रैल तक आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जेल में ही रहेंगे कंझावला कांड के आरोपी। रोहिणी कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। तो 13 अप्रैल तक आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। कंझावला कांड के आरोपी कहा जा रहा है कि जेल में ही रहेंगे। पूरी सुनवाई रोहिणी कोर्ट में हुई है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के कंझावला कांड से जुड़ी हुई, जिसमें 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। 13 अप्रैल तक आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जेल में ही रहेंगे कंझावला कांड के आरोपी। पूरे मामले की सुनवाई रोहिणी कोर्ट में हुई है। तो कंझावला कांड के आरोपी जेल में ही रहेंगे। रोहिणी कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के कंझावला कांड से जुड़ी हुई, जिसमें 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और अभी आरोपी जेल में ही रहेंगे। तो आपको बता दें कि 13 अप्रैल तक आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। रोहिणी कोर्ट में आज पूरे मामले की सुनवाई हुई है। अब जेल में ही रहेंगे कंझावला कांड के सभी आरोपी। एक बड़ा हादसा था जिसने पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया था। 31 दिसंबर की घटना है, जहां पर स्पीडिंग कार ने एक लड़की को बहुत देर तक घसीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तो कंझावला कांड के सभी आरोपी जेल में ही रहेंगे। इसमें चार्जशीट दाखिल की गई। रोहिणी कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई है। 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और 13 अप्रैल तक इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता राकेश सिंह इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, ये बताइए कि जेल में ही रहेंगे कंझावला कांड के आरोपी, और क्या क्या कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए जब चार्जशीट दाखिल होती है तो उसके बाद कोर्ट संज्ञान लेती है। चूंकि उसमें कुछ कमियां थी और जो दिल्ली पुलिस है उसका ये कहना था कि देखिए हमने जो भी फोटोग्राफ्स लगाए हैं उसको किसी के साथ साझा न किया जाए। इसके बाद कोर्ट का ये कहना था कि हमको इस जो आपने चार्जशीट दाखिल की है उसको पढ़ने में वक्त लगेगा, लिहाजा इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 13 अप्रैल के लिए टल गई है। अब चूंकि संज्ञान लेने का मसला था, संज्ञान नहीं लिया कोर्ट ने। अब 13 अप्रैल को जब सुनवाई होगी चार्जशीट पर, उस दिन हो सकता है कि जो रोहिणी कोर्ट है वो संज्ञान ले और आरोपियों को समन जारी करे। चूँकि इसमें 7 आरोपी हैं, 2 पहले से ही जमानत पर हैं, 5 लोग जो है वो जेल में हैं, तो उनको पेश किया गया था चूंकि चार्जशीट दाखिल हो रही थी। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो साफ तौर पे जो चार्जशीट है उसमें जो 7 आरोपी हैं उसमें 4 लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगा, मतलब हत्या के तहत उनको आरोपी बनाया गया है, और जो अन्य लोग हैं, जो 3 लोग हैं उनको हत्या के तहत आरोपी नहीं बनाया गया है। चूंकि जब दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर रही थी तो कोर्ट का ये सवाल था कि क्या आपने फोटोग्राफ्स लगाए हैं, लिहाजा आप, दिल्ली पुलिस ने कहा कि जी हमने लगाया है। इसके बाद कोर्ट का सवाल था कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 क्यों लगाई है। तब दिल्ली पुलिस का कहना था कि जैसे ही कोर्ट इस पर संज्ञान लेगी, जैसे ही बहस होगी, इसके बाद हम जो है अपना इस पे उत्तर देंगे। चूंकि चार्जशीट अभी दाखिल हुई है, कोर्ट को संज्ञान लेना है, तो एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। पहले चार्जशीट दाखिल की जाती है, इसके बाद जो है कोर्ट संज्ञान लेता है, इसके बाद जितने भी आरोपी हैं उनको समन किया जाता है, और जब वो समन पे उनको दिया जाता है, इसके बाद जो आरोपी हैं उनको पेश किया जाता है, तब कोर्ट उनसे सवाल करती है कि आप प्लीड गिल्टी करते हैं कि नहीं। प्लीड गिल्टी का मतलब ये हुआ जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसको आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अमूमन यही होता है कि जो आरोपी होते हैं वो प्लीड गिल्टी स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब जो है 13 अप्रैल का जो समय दिया है कोर्ट ने,
उस दिन वो संज्ञान लेगी और सभी आरोपियों को जी राकेश देखते हैं 13 अप्रैल को कोर्ट में क्या फैसला आता है। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी बातचीत का आपका।